हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब जिन जिन लोगों ने अमेज़ोन से मतलब क्रेडिट कार्ड का बिल पे करा है, उसमें वो टिपिकली 2 डेज़ वाला एरर दिखा रहा है, और जो हमारा क्रेडिट कार्ड की जो बिल डेट है वो एक ही दिन ड्यू है। अगर जो हम एक दिन बाद पे करते हैं तो पेनल्टी लग जाती है। तो गाइस, मैं आपको इस इशू को सॉल्व करना बताऊंगा कि आप इस इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, आप इस इशू को 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखना, कहीं से भी कुछ भी स्किप मत करना। सिंपली सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे से अमेज़ोन को अप टू डेट रखना है, क्योंकि मान लो अगर जो मान लो ऐप में कोई बग होता है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कृपया करके अपने ऐप को बिल्कुल अप टू डेट रखें, और बिल रिचार्ज करने से पहले भी एक बार ही चेक कर लें कि आपका ऐप अप टू डेट है या नहीं। गाइस, कोई ऐसी बात नहीं कि अमेज़ोन से बिल पे करने में खतरा है। गाइस, इससे मुझे 50 रुपये का कैशबैक था, तो वो मैंने क्लेम करने के लिए इससे बिल पे करा था। लेकिन कोई ऐसे डरने की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सिंपली जब आपका ऐप अपडेट हो जाए तो इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप अपने ऑर्डर्स पे जाएं। ऑर्डर्स पे जाके आप यहाँ पे जाएं। यहाँ पे जाने के बाद आपको ये कुछ ऐसा शो कर रहा होगा, पेमेंट टिपिकली रिफ्लेक्ट इन योर क्रेडिट कार्ड विद इन 2 बिजनेस डेज, कुछ ऐसे करके दिखा रहा होगा इसमें। तो आप एक बारी कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि आप जो पेमेंट है वो भीम UPI से करें। अगर जो मान लो कुछ भी रिफ़ंड या फिर मान लो पेमेंट बीच में कहीं अटक जाती, तो आपके पैसे बहुत ही आसानी से आपके बैंक या फिर आपकी UPI में क्रेडिट हो जाते हैं। अगर जब वहीं किसी नेट बैंकिंग का उपयोग कर रहे हैं या फिर किसी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में, तो गाइज उसमें बहुत खतरा है। आप अमेज़ॉन पे की UPI का ही यूज़ करें, क्योंकि अगर जो आप UPI का यूज़ करते हैं तो उससे आपकी पेमेंट मान लो अगर जो कैंसिल होती है तो बहुत ही जल्दी आपके बैंक में रिफ़ंड हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा करके शो कर रहा है। गाइज, क्यों शो कर रहा है? या फिर आपने पेमेंट सैटरडे या फिर संडे के दिन करी है, इस वजह से शो कर रहा है। अगर जो आपने सैटरडे के दिन पेमेंट अपनी करी है क्रेडिट कार्ड की, तो आपको संडे में भी ऐसे दिखाएगा, लेकिन मंडे में आपका वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आपकी कोई पेनल्टी नहीं कटेगी, क्योंकि इसलिए नहीं कटेगी जिस दिन आपने करा होगा ना। जैसे मान लो आपने 8 को करा और आपकी 9, 10 को आपकी पेनल्टी लग जाएगी अगर जो नहीं भरा। तो जैसे आपका जो 10 तारीख को जो बिल पे होगा, मान लो 10 तारीख को जो बिल पे होता है, तो वो 8 तारीख को ही काउंट करा जाएगा कि आपने 8 तारीख को ही भरा है बिल। वो जो क्रेडिट कार्ड के जो सर्वर हैं वो अपने आप वो कर लेंगे, कैच कर लेंगे कि इन्होंने पेमेंट इस डेट को इतने बजे करी थी, वो किसी इशू की वजह से पेमेंट अटक गई थी। और अगर जो ऐसी कोई बात होती है तो पेमेंट कैंसिल हो जाएगी। गाइस, कोई डरने की बात नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है, कस्टमर केयर से एक बारी बात कर लो, जिससे कि आपके मन को थोड़ी शांति हो जाए, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादातर पेमेंट्स आप अपनी भीम UPI से करा करें। अब जैसे पेंडिंग दिखा रहा है, तो मैंने पेमेंट सैटरडे को भी नहीं करी, मैंने पेमेंट संडे को भी नहीं करी, तो मेरा क्यों पेंडिंग दिखा रहा है? गाइस, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये 1 से 2 घंटे में आपके कार्ड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 2 बिजनेस डेज है, इसलिए दिखाता है कि मान लो अगर जो किसी बैंक के सर्वर डाउन होते हैं, क्रेडिट कार्ड के सर्वर डाउन होते हैं, तो इस वजह से 2 बिजनेस डेज दिखाता है। चाहे आप किसी भी पेमेंट मोड से पेमेंट करें, 2 बिजनेस डेज ही दिखाएगा। लेकिन आप फिर भी, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप UPI से पेमेंट करा करें, कि UPI से पेमेंट अटकती नहीं है, ठीक है गाइस। और सेकंड पॉइंट ये है, कोई डरने की बात नहीं है। अगर जो आपने सैटरडे संडे को पेमेंट नहीं करी, तो 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कोई डरने की बात नहीं है, मेरी पूरी गारंटी है। और कोई भी क्वायरी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइस, क्योंकि मैंने अपने SBI वाले क्रेडिट कार्ड का बिल पे करा था। देखो, इस सक्सेसफुली पेड आ रहा है। मैंने 29 जुलाई को करा था, और 29 जुलाई को ही हो गया था ये पे, मुझे इस पर 30 रुपीज़ का कैशबैक भी मिला था। तो कोई गाइस, कोई डरने की बात नहीं है। वो कभी कभार टाइम लगता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि आप सैटरडे संडे को पेमेंट अपनी ना करें। मतलब ऐसे करें कि जैसे 2 दिन बाद सैटरडे ना हो, तो यानी कि आप कर दें, खैर वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस कोई डरने की बात नहीं है, 2 बिजनेस डेज दिखा रहा है ना। आपने सैटरडे संडे में पेमेंट नहीं करी है,
तो आपका आराम से 1 से 2 घंटे या 3 घंटे भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, लेकिन 5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे, आपके क्रेडिट कार्ड में शो हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है गाइस। ठीक है, कोई भी क्वारी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर जो आपने मेरी अमेज़फिट बीपीओ प्रो की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर जो आपको आईफोन 11 या फिर पोको X3 प्रो में से कोई एक फ़ोन चूज़ करना है तो आप मेरी वाली वीडियो भी चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके बाय बाय। कोई डरने की बात नहीं है गाइस, 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी पेमेंट क्रेडिट कार्ड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अगर जो आपने सैटरडे संडे को पेमेंट नहीं करी है तो। ठीक है गाइस, ओके, थैंक्स फॉर।